हेलो पिला माने स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को पुनि थरे स्वागत करबी मोर अंजन। तो पिला आमे प्रीवियस वीडियो रे तम मानकर जो थिला नवम श्रेणी रो विज्ञान बही रही छि तमरो फिजिकल साइंस रो ग्रेविटेशन चैप्टर ताको आमे अधा आदि पूरा सारी थिले हला अधा आदि जिनस आमे सारी नै छथि आ बाकी जो जिनस गुडा रहला ताको आमे पढिबा। महाकर्षण रो विशेषत्व कोन, महाकर्षण कोन, तमरो जो सार्वजनीन महाकर्षण नियम ता पर आमे पढिथिले, सेंट्रिपिटल फोर्स जोटा कि आम केन्द्राभिचारी बल ता विषय में आम आलोचना करते अलरेडी जिनस गुड़ाक आम पढ़ी सारी और सारी सारी जी रैल्यू देखी एफ केमी बाहर करवाई फर्मूला करते ठीक अच्छे ये सब जिन गुड़ा आम करते। तो आज आम पढ़ा मुक्त पतन विषय आम पढ़ा ठीक अच्छे यूँ आम रखी थे ना मुक्त पतन प्रीवियस वीडियो आम ये मुक्त पतन रु तो से आरंभ करवा जो मैंने भी वीडियो को देखी ना प्रीवियस वीडियो को ताले लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी जाओ एक देखी नियो से देखला तुम ये जिनस गुड़ाक आउ टे भलसे बुझीपार कहीं टर्म गुड़ाक एमती अच्छी टर्म गुड़ाक तुमको बुझापाई से भिडियो को भलसे देखापी पड़ो ठीक अच्छे पाखापाखि 40 रु 45 मिनिट्र भिडियो रही तो मैंने देखने से क्लीयर है ओके। तो आरंभ करेंगे आज भिडियो जोड़ा रही कौन ना फ्री फॉल बा मुक्त पतन राइट। तो भिड को शेष जाए निहाती देख आओ को बहुत ध्यान सहित देख कहीं को जगार भी पॉइंट मिस कले तुम बहुत असुविधा सम्मुखीन होगापी पढ़ी पाए ठीक अच्छे। तो सुंदर भाव में पढ़ा मजार पढ़ा तो व्यस्त हवार ना टे समय लगे टिके लंबा हम वीडियो कितना असुविधा किसी ना आम भल से ठीक अच्छे गोटे थर जमी बुझा आज नेक्स्ट टाइम देखापी पड़े राइट। तो चलो आम स्टार्ट करवा फ्री फॉल कौन मुक्त पतन कौन मुझे प्रथम कौच मुक्त पतन हूँ से जोटा कि कौन ना गोटे जिनसटे धन्य ऊपर तल को पड़ू पड़ा बेले ये केवल ग्राविटी जो ही पड़ू ठीक अच्छे केवल ग्राविटी जो जदि पड़ा तो फ्री फॉल मुक्त पतन बोली कह ना आम मुक्त पतन कहानी जदि कौन बल आयु काम कला कौन बल आयु अटकला तोटा को आम मुक्त पतन बोली कहानी बुझीपालना। तो ग्राविटी कौन मुझे आगुरी कही जो पृथ्वी निज आड़ आकर्षण करईटा को आम ग्राविटी बोली कहले ताले जदि से आकर्षण बल द्वारा ही केवल गोटे जिनसटे ऊपर तल को पड़ू ताले आम मुक्त पतन कह जदि किसी प्रतिरोध रहा आम मुक्त पतन कहानी केमी आए क्लीयरली बुझीपार तुम मैंने हाला ध्यान सह देख जदि वायु मध्य वस्तु गति कला बेले खसला बेले वायुर प्रतिरोध नगण्य हुए तेणु टेकाटीए तल को पृथ्वी आड़ खसला बेले केवल पृथ्वीर महाकर्षण बल जो खसे वस्तुर ए प्रकार गति को आम मुक्त पतन बोली कह देख मुझे कहली जे कौन ना केवल ग्राविटी द्वारा खसु थ मैंने गोटे जिनसटे ऊपर तल को पड़ केवल ग्राविटी द्वारा पड़ो ग्राविटी बल जो ही पड़ो सहीटा को आम मुक्त पतन बोली कह कह मुझे गोटे टेकाटे पकईली टेकाटे पकईली सी तल को खसुच तल को खसला बेले किसी प्रतिरोध कम कर निश्चित भाव किसी प्रतिरोध कम कर कौन सीटा ना वायुर प्रतिरोध कितु वायुर प्रतिरोध बहुत कम परिमाण होता है धन्य मु दीटा जिन तुमको कौच गोटे टेकाटीए ने आ गए कौन गोटे पेपरटे ने दीजा को पकेबी वायुमंडल छाड़ी मुझ दीजा को यही जगह मुझे छाड़ी दीजा को है छाड़ला से तल को आसवे अच्छा कहल कौटा प्रथम पड़ो प्रथम अभीअसली टेकाटा पड़ो यू आम जाने केवल ग्राविटी ये कम करनी ता सहित किसी फोर्स जोटा कि अटकाउँ प्रतिरोध कर फोर्सटा कार ना वायुर फोर्सटा ठीक अच्छे वायुर बलटा ताको अटको किंतु टेका क्षेत्र में बहुत कम है जोटे कि ना ही कहले चले टेका क्षेत्र में है तेणु से आम फ्री फॉल बोली गोटे प्रकार धरीदा कि एक्जाक्टली सहीटा भी फ्री फॉल नुह फ्री फॉल केतेबेले हम ना जिते वायुरोधी जगार आम पड़ो मानने बिलकुल कौन सी प्रकार फोर्स कम करवल ग्राविटी फोर्स कम कर आगू आम पढ़ा तापर डिटेल ठीक अच्छे एवं खाली मन रख मुक्त पतन कहले कौन ना केवल जदि कौन ग्राविटी जरिए केवल महाकर्षण बलर प्रभाव जो गति करें वस्तुटा ताको आम से गति को मुक्त पतन फ्री फॉल गति कहुए मन रहा से कौन हम ना तार त्वरणटा पृथ्वीर आकर्षण और माध्याकर्षण जो जात होता है त्वरणटा क्या जो जात हम पृथ्वीर माध्याकर्षण जो पृथ्वी भिड़ से त्वरणटा जात है बुझीपाल ना तेणु यह आम माध्याकर्षण जनित त्वरण बोली कहींपर ये गोटे तुम टर्म आसो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी जोड़ा कि रहा आप स्मॉल जी सहायता से डिनोट कराए वेरी वेरी इंपोर्टेंट टर्म आम देख गोटे टर्म कही कौन कैपिटल जी कही एपंकर गोटे टर्म आसला स्मॉल जी है कैपिटल जी रे आम देखी सी हूँ आम कौन सार्वजनीन माध्याकर्षण कांस्टेंट बोली आम कही ठीक है सार्वजनीन माध्याकर्षण
तिरंग बोली कहले जार मूल्य आम 6.7 इंटू 10^-11 आम जो देखी ना कि कितु एवं गोटे टर्म आसला कौन ना स्मल जी से आम देखी जो सार्वजनीन माध्याकर्षण कन्स्टाट सी सब सामान रहा आप जुआड़े जाऊँ ना कहीं जो जगह को भी नहींगले सी सब सामान सी चेंज हबार ना कि स्मल जी ये चेंज हम आरो जगह अनुजाई आरो कौन भैल्यू बदल है केमी बदल आम आगे पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी कौन से जिनसटा सब डिटेल जानवा तो ये मन रहा आप मुक्त मुक्त पतन कौन ना वस्तु जदि केवल महाकर्षण बल प्रभाव में तल को खसुच गति करुक्त पतन कह तार मुक्त पतन त्वरणटा क्या जो सृष्टि होता है ना पृथ्वीर आकर्षण माध्याकर्षण बल जो सृष्टि होता है तेणु यहाँ माध्याकर्षण जनित त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी बोली कहते हैं आपको जी अक्षर में डिनोट कराए स्मॉल जी अक्षर में यार दीर्घ सर्वदा तल को अर्थात पृथ्वी आड़क होता है सब तल को रोक कहीं माध्याकर्षण कड़े पृथ्वीर केन्द्र आड़क कम करेणु सब यार दिगटा कौन रोर्स दिगटा तल आड़क रृथ्वी आड़ पृथ्वी केन्द्र आड़क रही आम कहीपर रईट तो पे वस्तुटी तल को पड़ता बेले त्वरण गति दिगरे हो जुक्तात्मक बोली कह जाए ठीक अच्छे त्वरणटा कौ दिगरे मनकर गोटे वस्तु टेकाटे ये अच्छी पृथ्वी ये अच्छी तेज़े वस्तुटा सब कड़े पड़ो इे पड़ो तेल त्वरणटा कौ दिगरे हम ये दिगरे हम कि नहीं त्वरणटा त्वरणटा जो हम ये दिगरे हम ना नहीं ये आम प्लस बोली ना आदि त्वरणटा उपरक होता तेल से माइनस अच्छा उपरकू के धन्य तुम क्वेश्चन भी आसो टेकाटा को तुम उपरको फोपाड़ सी पुणी तल को पड़ा जिते तुम उपरको फोपाड़ जी दूर गला से ही त्वरणटा को आम कह नेगेटिव बोली कह जो त्वरणटा एक्सीलरेशन हम सी नेगेटिव हम माइनस ए हम किंतु पड़ा बेले सी त्वरणटा कौन कर ना प्लस करी गति दिगरे त्वरणटा है सी प्लस है विपरीत दिगरे है कौन हम माइनस हम मन रही ना क्लीयर ओके पृथ्वीर भिन्न भिन्न स्थान में पृथ्वी उपर भिन्न भिन्न उच्चतार जीरो मूल्य भिन्न होता है मुझे कहली जो जीरो मूल्य स्थान स्थान धरिकी बदले सी अलग अलग टाइप रही है जीरो एकक कथा जब आम कह हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती जीरो एकक एक्सीलरेशन एकक जहाँ जीरो एकक कौन ठीक अच्छे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तापर पे आसमें आम जो पढ़ी न्यूटन को गतिर द्वितीय नियम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स ठीक अच्छे तो सही आम बलर परिमाण वस्तु इंटू त्वरण गुणफल बोली आम कहे जोटा कि आम पढ़ी आम कौन एफ ए इक्वाल टू एम ए बोली पढ़ी ना ना रे बल इक्वाल टू वस्तुत्व इंटु त्वरण गुणफल है मन कर मन कर गोटे वस्तुत्व हूँ एम ए गोटे वस्तुर वस्तुत्व हूँ एम ए सी मुक्त पतन में आम भूपृष्ठ आड़ पड़ू अर्थात तार त्वरणटा को आम जी बोली धरवा त्वरणटा ए टाइ ए इक्वाल टू कौन हो जी हो कहीं फ्री फल हो मुक्त पतन हो तो माध्याकर्षण जनित त्वरण हो जी तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर प्रयोग होता बलटा के क्वेश्चन आसो ताल तुम एफ इक्वल टू एम ए जगह एफ इक्वल टू एम जी कहीपर ना कि ठीक ना बोल एफ इक्वल टू एम जी कहीपर केमी ना देख आम ये ए इक्वल टू जी बोली कहे एफ इक्वल टू एम ए जगह मुझे एफ इक्वल टू एम जी लिखिपारि किसी असुविधा ना असुविधा अच्छी बिलकुल भी असुविधा ना है गोटे मिनट तो कौन है एफ इक्वल टू एम जी तो आम यू समीकरण दीटा गोटे कौन एफ इक्वल टू आम आगुरी आम डिस्क्राइब करते एफ इक्वल टू कौन करमर कौन कर जि एम स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर एटा ऑलरेडी आम आनी एफ इक्वल टू एटा को इक्वेशन एक नौ एटा को मुझे इक्वेशन दुई नेबी तेल दी जाक कंपेयर कले देख आम लेफ्ट हैंड साइड दी जारे एफ अच्छी मैं फोर्स समान ताले आम एम जि इक्वाल टू जि एम एम बाय डी स्क्वायर कहीपर कि ना जमी देखाई देख एम जि इक्वाल टू जी इंटू एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर है यहाँ आम आगुरी कही ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ले से देखिले ताले ये मुझे स्मॉल जीरो मूल्य केवल काढ़ी ताले एम टा एपटे गुणन होपटे जाकि हरण हो कि ना तो आम कहीपर एम टा को एम टा कैनसिल ना ना कैनसिल होगा रहा आउ कौन ना जि एम बाय डी स्क्वायर ये आम कौन बुझे पिले ना एम एटा आम कौन रे कैपिटल एम टा थी आम पृथ्वीर वस्तुत्व दीटा थी आम दीटा वस्तु भितर जो दूरता ठीक है जीटा हूँ आम ग्राविटेशनल कन्स्टांट है ये आम जान लें कौन ना स्मॉल जीरो वैल्यू क्या डिपेंड कर ग्राविटेशनल कन्स्टांट इंटु आम पृथ्वीर वस्तुत्व बै दीटा जो पृथ्वी ठार वस्तुर दूरता के ठीक अच्छे या डिपेंड कर स्मॉल जीरो वैल्यू बुझला कि ना पे बुझल तो क्लीयरली बुझल ना बुझ है कि लेट हो
କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାର। ଗୋଟେ ଥର ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଏ ରେଗାଡ଼ି, ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କେବେ ବି ଆପଣ ଫେସ୍ କରିବେନି, ରାଇଟ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ମଲ୍ ଜିରୋ ଭାଲ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇଗଲେ କେତେ ନା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଟୁ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାଇ ଆମର ଆସିଲା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସେଇ ବସ୍ତୁର ଦୂରତାଟା କେତେ ରହିଛି, ହେଲା ଜି ଏମ୍ ବାଇ ଡି ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ଜିରୋ ଭାଲ୍ୟୁ। ଏଠି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ କୌଣସି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବନି, ମାନେ ଦେଖ ମନେକର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ଫ୍ରି ଫଲ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପେପରକୁ ନବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟେକାକୁ ନବ, ଗୋଟେ ପେପରଟା ଗୋଟେ ଟେକାଟା ଯଦି ତମେ ପକେଇବ ଏଇଠି ପକେଇଲେ ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ, ପ୍ରଥମେ ଟେକାଟା ପଡ଼ିବ ତାପରେ ପେପରଟା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାୟୁ ଯଦି କୋଠରୀକୁ ନେଇଯିବ ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଟୋଟାଲି କିଛି ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାୟୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀ, ହେଲା କି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ, ସେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯଦି ତମେ ଦୁଇଟି ଜାଗା ପକେଇବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସେ ଦୁଇ ଯାକ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଛୁଇଁବେ ତଳକୁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିବେ। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପକେଇଛ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିବେ, କାହିଁକି ହେଲା ଏମିତି, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜି ଏମ୍ ବାଇ ଡି ସ୍କୋୟାର, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦୂରତା ଭିତରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁଟା, ହେଲା, ଏସିଲେରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟିଟା। ତାହେଲେ ଏଠି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଲାଣି, ତମେ 100 କିଲୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକାଅ କି 5 କିଲୋର ଜିନିଷ ପକାଅ କି କିଲେର ଜିନିଷ ପକାଅ ସେଇ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହିଁ ଖସିବେ, ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଇଏରୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କରିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା। ଏଠି ତମକୁ ଦେଲା ଦେଖ, ମନେକର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଏଠାରେ ଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଇଯିବ ଆର୍, ହେଲା, ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଏଇଟା ପୃଷ୍ଠ, ତା ଉପରେ ମନେକର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ହବ, ଆର୍ ହବ, ମାନେ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମୁଁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ଆମର ପୃଥିବୀ, ହେଲା କି, ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୋଉଟା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମନେକର ବସ୍ତୁଟା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ କୁହ, ତାହେଲେ ଟିକେ ରୁହ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ମନେକର ଏଇ ଜାଗାରେ ବୋଲି ତମେ କହିବ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏତିକ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାହିଁ, ତ ଏଇ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯାହା ଡିଟା ସେୟା ହବ, କାହିଁକିନା ବସ୍ତୁଟା ଏଠି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରହୁଛି, ହେଲା, ତ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇକ୍ୱାଲଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନା ବସ୍ତୁଟାର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦୂରତାଟା, ହେଲା କି, ତାହେଲେ ଏଠି ଡି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଆର୍ ପକେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜି ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଜି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜି ଏମ୍ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ଏହାକୁ ନେଇକି ସଲ୍ଭ ହେବ। ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତମର ଜି ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏମ୍ ଟୁ ବୋଲି କହିପାରିବ, ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏମ୍ ଟୁ ନିଅ ବାଇ ଡି ସ୍କୋୟାର, ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ରହିବ ଜି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟା, ହେଲା କି, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ଜିଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ତ ତମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଟିକେ ଅଛି କରିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ଆର୍ର ମୂଲ୍ୟ ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମାନେ ବସ୍ତୁଟାର ଦୂରତାଟା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜିର ମୂଲ୍ୟ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ସହିତ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି ଅଟେ। ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଯିଏ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନ ସେ ବୁଝିପାରିବନି, ହେଲା କି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ହେଇଥାଏ, ହେଲା କି, ଦେଖାହବନି କି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ, ଜିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଜି ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି ବୋଲି କହିପାରିବା, ରାଇଟ୍। ତା ସହିତ ପୃଥିବୀ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲକ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀଟା ଆମର ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ଥାଏ, ଏ ଟାଇପ୍ର ଆମର ପୃଥିବୀଟା ଥାଏ, ଏତେ ବି ନୁହଁ ଆଉ ଟିକେ କମ୍, ହେଲା କି, ତ ଗୋଲକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମେରୁ ନିକଟରେ ଏହା ଚେପ୍ଟା ହେଇଥାଏ, ମେରୁ ନିକଟରେ ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ହେଇଥାଏ, ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ମେରୁ ଆମର, ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ହେଲା କି, ତେଣୁ ମେରୁ ନିକଟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚେପ୍ଟା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ମେରୁ ନିକଟରେ ଆର୍ର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଉ ବିଶ୍ୱରେଖା ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମର ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଟିକେ ଚେପ୍ଟାଳିଆ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଆର୍ଟା ଆମେ କାଟିବା ଏଇଟା ଟିକେ ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, ମେରୁ ନିକଟରେ ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗା ମେରୁରେ ଆମର ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଉଛି ଆର୍ର ଭ୍ୟାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମର କ'ଣ ହବ ଆର୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଟିକେ କ'ଣ ଚେପ୍ଟା ହେଇକି ଏମିତିକା ଓସାରିଆ ଟାଇପ୍ର ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଆର୍ଟା ଏଇଠି ଅଧିକ ହବ, ଏଇଠି ସବୁଠୁ କମ୍ ହବ, ମନେ ରହିଲା କି ନାହିଁ, ମେରୁରେ ଆର୍ଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଆଉ ବିଶ୍ୱରେଖାଟାରେ ପୃଥିବୀର ଆର୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହବ, ଯଦି ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି ଯଦି ଜିଟା ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ସହିତ, ତାହେଲେ ଆର୍ ବଢ଼ିଲେ ଜି କମିବ, ଆର୍ କମିଲେ ଜି ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ କୁହ ମେରୁରେ ଆର୍ର ଜିର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହବ ନା କମ୍ ହବ, ମେରୁଟାରେ ଆର୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କମ୍, ତେଣୁ
जीटा सब अधिक हम तो मेरुटा कौन हम जी रूल्य सबुठ अधिका हुए आउ विश्वरेखा टाक गले आम मेरु कौन जी रूल्य सबुठ कम होता है सर्वनिम्न होता है मन रही ना दीटा जिनस बिट क्वेश्चन आसो टे मन रखा बुझा पड़ी तो बुझा पड़ी ना ना रे शोपड़े बढ़िया टॉपिक सुंदर टॉपिक चलती बहुत मजा लगे पाठटा टी कष्ट रही कष्ट कौन किसी ना तुम बुझीद मैंने कष्ट किसी ना कि मजा लगे पाठटा पढ़ापी मजा लगे ग्राविटेशन एमती गोटे चैप्टर मजा लगे बहुत मानते शिखापी बहुत जिनस मिले है तुमको जिते तुम आगू आगू जीव से तुमको क्यूरीयोसीटी फिल हम जानापी इच्छा हे से तो मजा ये पाठ है चलो आगू बढ़िया बर्तमान जी रूल्य आम निरूपण करवा जी कौन आम जाणीदे जी रे कौन फर्मूला आने बर्तमान जीटा केमी आमर कौन कैपिटल जी रे गोटे मूल्य काढ़ 6.7 × 10⁻¹¹ आम बाहर कर ठीक से भाया स्मल जी रोटे आम साधारण मूल्य नवा कौटी ना पृथ्वी पृष्ठ उपर ना देख सार्वजन महाकर्षण ध्रुवांग जी रूल्य हूँ 6.7 × 10⁻¹¹ आम बाहर कर मीटर स्क्वेयर किग्रा स्क्वेयर पर किग्रा स्क्वेयर पृथ्वीर वस्तुत्व एम ए रूल्य को आम जब 6 × 10⁻⁴ 10⁻¹⁴ एटा फिक्स ना पृथ्वी वस्तुत्व जदि भी देनी तुमको गोटे क्वेश्चन आसी पृथ्वी वस्तुत्व जदि भी देनी तेज़े तुम ये नब ना 6 × 10⁻¹⁴ टी मन रखीद आ पृथ्वी व्यास तो मन रख आर मूल्य सब 6.4 × 10⁻¹⁶ मीटर है ये दुटा को भलसे ध्यान सहित मन रखीद जदि भी क्वेश्चन आसे क्वेश्चन तुमको दिए यार मूल्य गुड़ाक दिए किंतु जदि भी नदेला तुमने व्यस्त होवार ना जब मन रखीच इजिली कर दे पार रईट ताले जी रूल्यटा आम बाहर करवा आम बर्तमान देखिले जी रो समीकरण कौन है ना जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर बस वैल्यू गुड़ाक पुट करवा आउ जी जगह आम पकड़ा 6.7 × 10⁻¹⁶ तापर आम एम जगह आम पृथ्वीर वस्तुत्व पड़ो 6 × 10⁻¹⁴ बै तले तुम आर जगह वैल्यूटा पड़ो 6.4 × 10⁻¹⁶ मीटर स्क्वायर ताले ये तुम जब कैलकुलेट कर तुम्हारे नियरली 9.8 मीटर आसो नियरली आसो 9.8 एक्जाक्टली आसनी 9.7 समथिंग आला कि जोटा कि राउंड फिगर कराई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वे मीटर पर सेकेंड स्क्वे कहीं लिखा ना मुझे तुमको कही जी रकक एक्सीलरेशन रकक सहित सामान तेज़े जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वे माध्याकर्षण जनित त्वरण मूल्य 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वे आम सब नौ है सब वाले नहीं हेनी यहाँ चेंज हो तुमको कहली क्यापाई ये केवल प्रजोज्य हम ना जदि वस्तुटा पृथ्वी पृष्ठ ताल से जीरो मूल्यटा ये हम आदि वस्तुटा पृथ्वी पृष्ठ ऊपर गला आर्टा बढ़ला जीटा कम जदि वस्तुटा पृथ्वी पृष्ठ तला आड़ को आसला तेल आर्टा कमला जीटा बढ़ा यहाँ आ गए कन्सेप्ट बुझेगा ताको आम पढ़ा आगे जाकि पढ़ा तापर भी पिला माने देखो आमे नेक्स्ट जो टॉपिक को जीवा सी होची कोन ना माध्याकर्षण बल प्रभाव रे वस्तुर गति हला वस्तुर गति रे माध्याकर्षण बल प्रभावटा कोन थाए तापर आमे डिस्कस करिला जेमिति मु तुमको कहितली जे गोटे समान उच्चता रु खंडिये पर आ गोटे गोड़ी को गोटे संगरा में तळु पकेबा गोटे पर जानचा ना पखीर पर से दिरा को आमे पकेबा ताले प्रथमे कोटा पडियो रेले ऑब्वियसली गोड़ीटा पडियो आखी बुझी के तुम कह दबो गोड़ीटा पडियो मु कहितली से कांसेप्ट तुमको जे एटी कोन हला ना पर को वायु कम कला प्रतिरोध कला कला कि ना किंतु जदि आम वायुशून्य गोटे काच घर भितर से ही दीड़ी जाक पुणी थे पकेबा एका समय पकेबा ताले कौन हम दीड़ी जाक सेम टाइम पड़े से मैंने सेम टाइम पड़े मुझे कही पूर्व मुझे कहला आगे पढ़ा यापर है तो फास्ट्रे आम कौन है ना गुड़ीटा शीघ्र पड़गला किंतु सेकेंड जो क्षेत्र में कौन है ना आम गुड़ीटा आरटा दीड़ी जाक एका थे पड़े कहीं ना प्रथम क्षेत्र में आम वायु घर्षण जनित प्रतिरोध था वायुटा प्रतिरोध करता वायु गोटे बल प्रयोग करता मुझे कही माध्याकर्षण बल बेले अपोजिट बल किसी कम कै वायु प्रतिरोध बलता अटकाउला से परटा को तेनालीट्रे पड़ा कि द्वितीय क्षेत्र में आज किए बल कम करा कि अपोजिट बल आ किसी कम करेणुता किए अटकवाक ना सी केवल ग्राविटेसनाल फोर्स खसब तो सामान टाइम दीदी जाक खस बुझेगा मानने कौन सी मैटर ही करनी केजन रस्तुटा तुम पकाच बुझीपाल ना टोटाल ना पा स्माल एम आम कटिगला कौटू आसला ओजन टा एवं कहली पा बुझुन तेणु आम कौन ये मुक्त पतन में वस्तुर गति समीकरण रूप समतरण गति करुवा वस्तुर गति समीकरण रूप सह सामान हम
जो गति समीकरण आमर तीन टा गति समीकरण अच्छी आम न्यूटन कर तापर सेटा एक क्षेत्र में टी चेंजेस आसो कौन चेंजेस आसो आम पढ़ा आगू है ये आम कह ना समतोलन में गति करुवा वस्तुर गतिर जो समीकरण थाए से मुक्त पतन गति समीकरण रूप सहित एक्जाक्ट सामान हम ठीक अच्छे तो ये जगह कौन हम ए इक्वल टू एम हम बोली मुझे कही जिते गोटे वस्तु फ्री फल कर इक्वल टू कौन ना सब एम हम है कि तार सरी कौन कह एक्सीलरेशन इक्वल टू जी हम ए इक्वल टू जी हम सब ताले मुक्त पतन मुक्त पतन समीकरण में केवल त्वरण को आम ए परिवर्तन जी बोली नहीं पार्बा आउ सब सामान रहा खाली एटा जी सहित सामान हम ताले ये आम से तीन टा समीकरण को देखा जो आम न्यूटन गति सम्बन्धी तीन टा समीकरण था सहीटा केमी चेंजेस आसो ना मन कर गोटे वस्तु टी समय पर मुक्त पतन में खसुची मैंने गोटे समय हूँ टी जार इनिशियल परिवेग कौन हो यू हो वेलोसिटी यू हो तार फाइनाल वेलोसिटी भी हो अंतिम परिवेग हेले टी समय वस्तुर द्वारा अतिक्रांत दूरता को आम जब एस नवा दूरता एस हेल्ले आमर ये समीकरण तीन टा कौन कौन हम ना फास्ट समीकरण आम था बी इक्वल टू यू प्लस ए टी तो ये जगह जी पड़ो मुझे तो बी इक्वल टू यू प्लस जी टी हो सेकेंड समीकरण आम था एस इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर तो ये जगह आम जी पड़ो किसी ना से समीकरण टाक खाली ये जगह जी पकाओ आउ किसी करार ना से भाई थर्ड इक्वेशन हो बी स्क्वेर इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस टू जी एस ओके जेहेतु वस्तु दुटा समतोलन गति कर इक्वल टू जी बोली आम प्रमाण कल जोटा कि फ्री फॉर्म रही क्लीयर तो तीन टा इक्वेशन मन रख तीन टा इक्वेशन की बहुत गुड़ाए तुम प्रोब्लेम आसे बहुत गुड़ाए मैथमेटिकल प्रोब्लेम पचार दिए सी तो तुमने कर पे आम ये देखा कौन त्वरण दिग वस्तुर गति दिग हेले जीरो मूल्य युक्तात्मक हुए आ गति दिगर विपरीत हेल्ले जीरो मूल्य कौन हुए ना विद्युतात्मक हुए यहाँ आम अलरेडी पढ़ी सारी उपर आम तुमको कहली जे जदि वस्तुटा तल को खसी ताले इे जदि त्वरण दिग रही ताले सी हो कौन ना पॉजिटिव बोली निया जाए जदि ऊपर को आम गोटे बल्ब फोपाड़ते कौन हो नेगेटिव गति आम हो क्लीयर ठीक अच्छे तापर आम पे जा उदाहरण गोटे तुमको गोटे मैथमेटिकल प्रोब्लेम ताकि डिस्कस करवा है फास्ट उदाहरण रहा जो गोटे वस्तु पृथ्वी पर किसी उच्चतार छाड़देलापर ता जीरो दशमिक पांच सेकेंड पर तौक पड़ता मैंने ये आम टीटा के शून दशमिक पांच सेकेंड है कि वस्तुटी क्वेश्चन पचारा वस्तुटी केत बेगर भूमि में पड़ा दुई नंबर क्वेश्चन पचारा जीरो दशमिक पांच सेकेंड मध्य वस्तुटर हाराहारी बेग के तीन नंबर कहला वस्तुटी केच्चर खसी भूमि पर पड़ा मानते डिस्टास्टा के पचारा है कि वस्तुटी केते बेगर पड़ा बोली कौचि ताले तुम बेगटा के पचारा वेलोसिटा के पचारा भिटा तापर तुम कौन वस्तुटर हाराहारी बेग के पचार कि तीन टा जिनस बाहर करवा ये तुमको जीरो भैल्यू देती दस मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बोली यहाँ लक्ष्य कर क्वेश्चन सब दे थाए तो तुम से जोटा भी देखा पकड़ बाहर कर देख पे आम जब कह टीटा आम देखे जीरो पॉइंट पांच सेकेंड जोटा कि हाफ सेकेंड बोली आम कहीपर प्रारंभिक परिवेग तुम हो जीरो मानने वस्तुटा आरंभ में परिवेगटा जीरो था कम कह ये कहीं गोटे क्वेश्चन अच्छे तरह कहीं कह प्रारंभिक परिवेगटा कौन पर आम शून्य ना कहीं वस्तुटा बर्तमान रेस्ट अच्छी मुझे वस्तुटा को आम कौन कर फल करवा मानते पकईवा जितेबाला मुझे धरीची यहाँ को गोटे पेनटा को जितेबाद धरी एमती का तेल से वस्तुटा कौन अच्छे पे रेस्ट अच्छी तार परिवेग कौन अच्छी कि से किसी गति कर बिलकुल भी कौन प्रकार गति से करा स्टिल अच्छी है रेस्ट अच्छी वस्तुटा तेनाली यार प्रारंभिक परिवेग कैसे हम जीरो हम जो मुझे छाड़ी से गति करवा आरंभ कर बुझेल ना ता पूर्व से कौन थी प्रारंभिक परिवेग जीरो तार क्लीयर ना यहाँ तेज़ वस्तुटर त्वरण के जी इक्वल टू दस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन पर प्लस कौन पर ना निम्नगामी वस्तु आड़ को मैं पृथ्वी आड़ को गति कर प्लस हम कही जदि बल्टा उपर को फोपाड़ी था देन से दीटा माइनस होता है देन तब पड़ा बेल प्लस होता है क्लीयर ना एटी वस्तुर प्रारंभिक परिवेगटा अलग होता बुझाला ना नहीं ठीक अच्छे ताल बर्तमान या सब आम प्रयोग करके प्रथम पृथ्वी पर पतन बेग मैंने भिटा को आम बाहर करवा यूक्वल टू आम सूत्र कौन यू प्लस जी टी ताल यूटा ये आम जीरो होगा जी टी रहा जी टी रैल्यू को आम प्रयोग करवा जी टी रैल्यू के जी रैल्यू दस मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर टी रैल्यू हूँ हाफ गुड़ी देर फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो कौन वस्तुर पतन बेगटा केत बेगर पड़ूगा ना पांच मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बेगर पड़ूगा हाराहारी बेग कथा जी कह
ताले इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी माने प्रारंभिक वेग आउ अंतिम वेग को मिसेबा बाय इक्वल ला हमरा हारा आइ जतबो प्रारंभिक 0 थिला अंतिम होति 5 हमें एटा बाहर करले अंतिम वेगटा बाय 2 कर देबा ताले 2 2 दशमिक 5 बटा पर सेकंड स्क्वायर बहुत इजी किछ नै खाली जिनस गुडा को मन रखिबा आछि जिनस गुडा को टिके प्रैक्टिस करिवो बस आउ छि ताले तबे 3 नंबर रे हमरा कोछु उच्चता माने एस टा पचारला एस इक्वल टू कोन यूटी प्लस हाफ जीपी स्क्वायर ठीक अछि यूटी टा एठी 0 होइबो काई कहला यू इक्वल टू 0 0 इनटू हाफ कर देला हमर 0 होइबो तो यूटी डाइट 0 हो गला आ रहा हाफ जी टी स्क्वायर हाफ को हाफ जी जगह में 10 मीटर पकेबा तापर टी जगह में 0.5 पकेबा बा 1/2 तरे एटा को हम जदी करबा ताले 1.25 मीटर हो जइबा हमर कोन ना उच्चता केते उच्चर पडतिला ना 1.25 मीटर उच्चता रो हमर वस्तुटा तल को पडतिला मन रहइबो नेक्स्ट उदाहरण को जीवा उदाहरण नंबर 7.3 जोटी से कहते गोटे वस्तु को भूलंग दिगरे ऊपर को फिंगीबा द्वारा यह 10 मीटर उच्च पड़ा देख ये आउ टे इंटरेस्टिंग होठी आम वस्तुटा को फोपाड़े मानते सी कि दूर अतिक्रम कर पुणी से दूरतार पड़ो है माइनस हम जी तापर आम प्लस हम है कि इनिशियल वेलोसिटी बदल अंतिम परिवेग बदल है से कौन हम आम देखा देख तो क्वेश्चन पचार ला वस्तुटी केवेगर उपर को फिंगा होता है केलोसीटी फंगा होता दुई नंबर कहला सर्वोच्च उच्चता को उठापी वस्तुटी को केत समय लगेगा सब जो पूरा लास्ट में जीव जा जो पुणी खसव से जो जाठू खसला वस्तुटा आम उपरू फोपाड़े एजाई गला यू खसला यू पॉइंटा रहा ये हूँ आम सर्वोच्च दिख उच्चता ये पहुँचा को कैसे समय लगे मैंने ये डिस्टास्टा के 10 मीटर देता से 10 मीटर में पहुँचापी के समय लगला है ना से आम काढ़ा टीटा बाहर करवा ओके देख केमी कर प्रथम आम कौन कहले ना भूलंब दिगरे वस्तु द्वारा अतिक्रांत दूरता के सी कोटे 10 मीटर दे सर्वस्थान में पहुँचे वस्तुर परिवेग परिमाण शून्य हो जाए दुईटा शून्य होने के केमी तुम कह आजा आम तो फोपाड़ू सी पुणी पड़ा शून्य केमी है परिवेगटा निहती किसी ना कि बेग अच्छे हाँ बेग अच्छे जो तुम फोपाड़ से गोटे परिवेगर सी गति करती कला जो 10 मीटर को आसला आम कह 10 मीटर सी तौक खस तो ये जो अच्छी बर्तमान वस्तुटा रेस्ट अच्छी ना जो फोपाड़ी दे ए जाए आसला ये रेस्ट बोली धरा जाए ना ना यू जहाँ पड़ो से तोरणटा आम काउंट करवा बुझा ना तेल अंतिम परिवेग कौन लिखले आम बी इक्वल टू 0 लिखले ये इनिशियल हम अंतिम परिवेगटा 0 हो सरी गोटे मिनट ठीक अच्छे ओके अंतिम परिवेगटा ये 0 हो माध्याकर्षण जनित तोरण जदि देनी क्वेश्चन तेल तुम 9.8 नौ जदि क्वेश्चन में किसी देनी से मन रख 9.8 नब आ जब क्वेश्चन में देते जहाँ भी देखो सैटा को नब ठीक अच्छे तापर तुम कौन कर ना देख समीकरण आम जो देखिले से आम कौन काढ़ी पार ना भि स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs है भि स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs मैं अंतिम परिवेगर आम जो सूत्र बाहर करवा से पकड़े आम कौन हो तीन नंबर आम इक्वेशन है पकड़े भि जगह आम 0 पकेबा 0 स्क्वायर 0 होपर यू स्क्वायर प्लस 2 × 0 मूल्य आम के -9.8 कहीं -9.8 निगला ये हूँ कथा जमी तुमको कही बल्टा कौन करपर को फोपाड़ी बुझा ना ऊपर को फोपाड़ी मानने आम ग्राविटेसन टा सब कुआ कम कर दिगरे तौक तेल यहाँ आम नेगेट वे पहाड़े तो माइनस आसमर एक्सिलेशन टा कौन ये माइनस आसो माइनस जी है तेरे -9.8 ना इंटू कौ जाए आम फोपाड़े 10 मीटर जाए फोपाड़े एसटा के डिस्टास के 10 मीटर बुझेगा तो यहाँ को आम काल्कुलेट करवा ईगला तुम कौन भि स्क्वायर टाइम जो कले ठीक अच्छे तेल यू स्क्वायर टा के आसो यू यू स्क्वायर इक्वल टू आम काल्कुलेट कले आम यू रैल्यू आस 14 मीटर तुम यहाँ काल्कुलेसन करेट हम मुझे करी ये तो देखिए तुम टे बही कर टाइम बही न देखिकी तुम निजे खातें करते करते प्राक्टिस हम एग्जाम तुम इजी हम ठीक अच्छे कहीं एग्जाम तो निज को ही पड़ा ना काल्कुलेसन ना कि किए बहुत देदेव ना कि काल्कुलेटर आम यूज करदे ठीक अच्छे तुम यू रैल्यू होगा के 14 मीटर पर सेकेंड होगा ठीक अच्छे पुणी आम सेकेंड क्वेश्चन को जी सेकेंड क्वेश्चन आम कौन कही मानी जो सर्वोच्च उच्चता उठो टाइम के टीटा के पचास टी बाहर करवा टीटा कौट बाहर आम फर्मुला भि इक्वल टू यू प्लस एट जोटा कि फास्ट इक्वेसन रहा सही आम टीटा बाहर पड़ो कमी ना देख टी इक्वल टू जब कह भि माइनस यू बाई ए होगा तेल भिटा के 0 कौन जोटा रहा फाइनाल परिवेगटा है कि
ତାପରେ ଇନିସିଆଲ ଟା କେତେ ଥିଲା ଆମର 14 ମିଟର ୟୁଟା ଆସିଲା ଆମେ ବାହାର କଲେ ବାଇ ଆମର ଏଟା ଏସିଲରେସନ ଟା କେତେ ନା -9.8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ ପିଲେ ଏଠି -14/-9 ମାଇନସ ମାଇନସ କାଟି ଦିଅ 14/9.8 କଲେ 1.43 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆମର ଟି ମାନେ ଉପରକୁ 10 ମିଟର ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେଇଛି ନା 1.43 ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ କି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ହେଲା ଇଜିଲି ତମେମାନେ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବା କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ହେଉଛି 14 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ ସମୟ ନେଇଛି କେତେ 1.43 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଲାଗିଛି ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ସାମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖିବ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଥିବ MBD ଥିବ TBW ଥିବ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଇଜିଲି ତମମାନେ ଏକ୍ସାମରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଯେଉଁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ପତନ ଉପରେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଏସିଲରେସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଉପରେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଶା କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତମମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ବାକି କିଛି ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣେଇ ଦିଅ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଡାଉଟକୁ ଓକେ ରହିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବା ଆମର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ୱେଟ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ଓଜନକୁ ନେଇକି ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତବାର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓଜନକୁ 1 ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ନୁହଁ ସେ ହେଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ରହିବା ମିଶିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କ'ଣ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛ କରିଦିଅ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଜି ଏବେ ନେଇକି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଧନ୍ୟବାଦ।